हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ। तो आज की मेरी रेसिपी है मसाला डोसा की रेसिपी, जो देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है। तो आज मैं इसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में है सांभर और नारियल की चटनी, तो इनकी रेसिपी मैं अपने चैनल में डाल चुकी हूँ और इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अब चलिए बिना देर किए झटपट से क्रिस्पी मसाला डोसा की रेसिपी देखते हैं। डोसा बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 कप चावल, और आधा कप लेंगे इसमें धुली हुई उड़द की दाल। तो जितनी दाल लेंगे उसका 1.5 गुना ही चावल लेंगे, जिससे डोसा बहुत ही परफेक्ट और क्रिस्पी बनेगा। और 1 चम्मच के करीब लेंगे मेथी दाना और अच्छे से इसे पानी में भिगो देंगे 7 से 8 घंटे के लिए। आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। अच्छे से पानी में मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ देंगे 7 से 8 घंटे के लिए, जिससे कि दाल अच्छे से फूल जाए। और इसको ढक के रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे ढक के रख दिया है 7 से 8 घंटे के लिए। तो 7 से 8 घंटे बाद चेक करते हैं। तो ये देखिए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, देखिए दाल कितनी अच्छे से फूल गई है। अब अच्छे से इसे धो लेंगे, हाथों से मसलते हुए साफ कर लेंगे, जिससे कि अच्छे से साफ हो जाए। तो 7 से 8 बार इन्हें अच्छे से धो लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इन्हें धो लिया है। तो अब चलिए इन्हें पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए लिया है मैंने मिक्सी का जार, और मिक्सी के जार में डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। दाल और चावल को देखिए मैंने डाल दिया, और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, और अब अच्छे से इसे पीस लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से जब इसके तैयार हुआ है, एक अच्छा सा बैटर बन गया है। तो अब इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, बैटर को इसमें डाल देते हैं और इसी तरह से बाकी दाल चावल को पीस लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बाकी दाल चावल को भी पीस लिया है, एक अच्छे से बैटर बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना अच्छा बैटर बना है, कितने अच्छे से दाल पीस के तैयार हुई है। तो अब इसको ढक के रख देंगे 4 से 5 घंटे के लिए गर्म जगह पर, जिससे कि इसमें अच्छे से खमीर उड़ जाए। तो ये 4 से 5 घंटे के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसमें खमीर उड़ा है, और दाल चावल भी अच्छे से फूल गया है। तो अब ये डोसा बनाने के लिए बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, पर मुझे बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, तो मैं इसी चम्मच के 2 चम्मच पानी डाल दूंगी। और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब पानी डाल दिया है, पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब बैटर को चेक कर लेते हैं कि बैटर परफेक्ट बना है या नहीं। तो चम्मच को इस तरह से बैटर से डिप करके उल्टा करेंगे, और अंगली से इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। तो देखिए बैटर इतना ही पतला रखेंगे, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, तो बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो ये लीजिए डोसा बनाने के लिए बैटर बन के बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको ढक के रख देंगे एक तरफ, और अब इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाला डोसा का मसाला बनाने के लिए लिया है मैंने यहाँ पे 7 से 8 बॉयल आलू। इसको मैंने अच्छे से देखिए बॉयल कर लिया है। और लिया है मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 से 3 लिए हरी मिर्च, जिसको देखिए मैंने एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और लिया है कटा हुआ हरा धनिया, और लिए हैं 7 से 8 करी पत्ता। तो अब चलिए झटपट से मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने पैन रख दिया है गरम होने के लिए, और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल। तेल गरम हो चुका है, तो उसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी राई, और साथ में डाल देंगे थोड़ी सी हींग, और साथ में डाल देंगे कड़ी पत्ता, और डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च, और हाई फ्लेम पर इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चलाते रहेंगे जिससे कि प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर, और टमाटर को भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहेंगे और मैश करते रहेंगे। तो ये लीजिए टमाटर को भी मैंने अच्छे से मैश करते हुए फ्राई कर लिया है। तो अब डाल देंगे सूखे मसाले, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मसाले को भी अच्छे से प्याज के साथ मिला लेंगे, और टमाटर को मिक्स करते हुए मसाला तैयार करेंगे।
डोसा का मसाला जब इस तरह से तैयार करते हैं बहुत झटपट ही बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये मसाला तैयार किया है, आप भी ज़रूर इस तरह से बनाइए, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए मैश करते हुए मैंने मसाला अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब इसमें डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू, जिसको हाथों से इस तरह से मैश करते हुए डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छे से मैश करते हुए डाल दिया है। अब अच्छे से आलू को मसालों के साथ मिला लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही आलू को मसालों के साथ मिलाएंगे, जिससे कि मसाला जलेगा नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाला तैयार कर लिया है। कितने अच्छे से आलू मसालों के साथ मिल गया है, कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है। तो मसाला ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे थोड़ा चटपटा फ्लेवर के लिए अमचूर पाउडर। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच डाल दूँगी अमचूर पाउडर, और अमचूर पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, अच्छे से मैंने अमचूर पाउडर को भी मिला लिया है। और अब आखिरी में जाएगा इसमें कटा हुआ हरा धनिया, और धनिया को भी मिला लेते हैं। तो ये लीजिए मसाला डोसा का मसाला बनके बिल्कुल तैयार है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर बैटर भी तैयार है और मसाला डोसा का मसाला भी तैयार है। तो अब चलिए झटपट से डोसा बनाते हैं। तो डोसा बनाने के लिए मैंने रख दिया है यहाँ पर एक डोसा तवा। हाई फ्लेम पर मैंने तवे को अच्छे से गर्म कर लिया है, और अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और तवे पे थोड़ा पानी छिड़क देंगे, जिससे कि तवा थोड़ा ठंडा हो जाए। और एक टिश्यू पेपर से तवे को अच्छे से पोंछ लेंगे। तो अब डाल देंगे इसमें एक चम्मच के करीब बैटर, और चम्मच से ही इसको इसी तरह से घुमा देंगे, पूरे तवे पर फैला देंगे घुमाते हुए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने घुमाते हुए इसे अच्छे से फैला दिया है। ये लीजिए डोसा का साइज़ आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का डोसा बना लिया है, और गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। और अब ऊपर से डाल देंगे इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, साइडों के किनारों पे भी थोड़ा डाल देंगे। तो ये लीजिए मैंने इसमें ऊपर से थोड़ा तेल डाल दिया है, और अब देखिए डोसा नीचे से सिकने लगा है, कलर भी चेंज होने लगा है, साइडों से देखिए इसने किनारा भी छोड़ दिया है। तो लीजिए डोसा बिल्कुल बन गया है। तो अब इसमें डाल देंगे मसाला। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब मसाला डाल दिया है और अच्छे से इसे फैला दिया है। तो ये लीजिए, तो अब डोसे को फोल्ड कर लेंगे। तो एक किनारा उठाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए डोसा कितना क्रिस्पी बना है, कलर भी देखिए कितना प्यारा आया है। तो ये लीजिए क्रिस्पी डोसा बनके बिल्कुल तैयार है, ये लीजिए। तो अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, इसी तरह से बाकी सारे डोसा बना लेंगे। तो तवा गर्म हो चुका है, तो तवे को फिर से ठंडा करेंगे, थोड़ा पानी छिड़केंगे, और टिश्यू पेपर से पूरे तवे को अच्छे से पोंछ लेंगे, और फिर से इसमें 1 चम्मच के करीब बैटर डाल देंगे, और चम्मच से फैलाते हुए फैला लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक और डोसा बना लिया है। तवा जब गर्म हो जाए तो आप तवे को थोड़ा पानी छिड़क के ठंडा कर लीजिए, जिससे डोसा जलता नहीं है और बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनके तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने एक और डोसा बना लिया है, इसके किनारों ने भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो मैं इसमें डाल दूंगी आलू का मसाला, और मीडियम फ्लेम पर ही आप डोसा बनाएं, मीडियम फ्लेम पर ही बहुत क्रिस्पी डोसा बनके तैयार होते हैं। तो मसाले को अच्छे से फैला देंगे। तो ये लीजिए मेरा एक और डोसा बन गया है, तो अब इसको भी फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए डोसा में कितना अच्छा कलर आया है, कितना क्रिस्पी बना है, देखने से ही आपको लग रहा होगा कि डोसा कितना क्रिस्पी बना है। तब इसको भी निकाल लेते हैं, इसी तरह से मैं बाकी सारे डोसा बना लूँगी। तो ये लीजिए डोसा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और डोसा के साथ बनाई है मैंने सांभर और नारियल की चटनी। सांभर और नारियल की चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, और इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।